हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लगातार जिन्हें भी थोड़े डाउट्स आ रहे हैं उन्होंने रिलेटेड मैं वीडियो जी अपलोड करी हाँ, ताकि थोड़े जी क्वेरीज ने वो क्लीयर हो सके। सो एक जी क्वेरी है वो आई सी कि नाले तो कहा गया कि 1 जून नू फैसला आएगा, नाले पंजाब सरकार के हुणे आर्टिकल्स आ रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं, कृष्ण कुमार जड़े ने वो कुछ कह रहे हैं, सैक्रेटरी जड़े ने बोर्ड के जो चेयरमैन ने उन्होंने अलग अलग बयान आ रहे हैं, इदा क्यों? दूजा सब तो वड्डा जिहड़ा क्वेश्चन आ रहा कमेंट सैक्शन दे विच है कि डेटशीट कदों आवेगी। तीजा मेन क्वेश्चन ये है कि केड़ा सब्जेक्ट असीं चूज़ करिए, आपकी मर्जी नाल असीं सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। सो पहली गल तो सब्जेक्ट्स की गल जेकर आप करिए तो डिटेल वीडियो मैं पाया सी। उस तो इलावा बच्चे मैं सिंपल लैंग्वेज में दसदा कि सब्जेक्ट तुसी ओही लैने ने जिहड़े मेजर सब्जेक्ट है। हुण ऐदा नहीं कि जनरल इंग्लिश तुसी चूज़ कर लो, हिस्ट्री ते पोल साइंस चूज़ कर ली, ठीक है, ऐदा नहीं करना। तीन मेजर सब्जेक्ट्स जिवें हिस्ट्री है तुहाडे कोल, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये तीन मेजर सब्जेक्ट्स होंगे ने वड्डे। जनरल इंग्लिश तो कंपलसरी है, जनरल पंजाबी कंपलसरी है, कंप्यूटर कंपलसरी है, इन्वायरमेंट कंपलसरी है, वेलकम लाइफ कंपलसरी है, ये चूज़ नहीं कर सकते तुसी, ठीक है। दूजी एडिशनल पे जिहड़े विषय ने उन्होंने पेपर जिहड़े वो नहीं होणगे, एडिशनल दे नंबर भी नहीं जुड़ते। एडिशनल जिहड़े तुसी विषय रखे हैं उन्होंने नंबर जिहड़े है वो एवरेज कढ़े जाणगे तिन्हां दे, उस दे हिसाब नाल तुहाडे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी जो भी ने सारिया के नंबर लगनगे। प्रोपर DMC आएगी जिवें पहलां दे सालां दे विच आंदी रही है, हर थां ते वैलिड होएगी, डोंट वरी अबाउट इट। उस तो बाद आप जिहड़ी वड्डी खबर आई हुई है न्यूज़पेपर दे विच वो देख लैने आ। पंजाब सिक्ख्या बोर्ड जिहड़ा लएगा प्लस टू की प्रीख्या लएगा। उपर देखो तुहानू ब्लू कलर दे विच शो कीता ए फार्मूला अपनाया, 1 जून नू आवेगी प्रीख्या की समा सारणी। तो सब तो वड्डा डाउट जिहड़ा सी कि डेटशीट कदों आएगी, तो 1 जून नू जिद्दां ही सेंटर का फैसला आ जाता है प्लस टू के एग्जाम्स के बारे, उसनू देख के, ठीक है, उसनू देखण तो बाद जिहड़ा है वो तुहाडी डेटशीट है उस टाइम जारी जिहड़ी है कर दी जाएगी, क्योंकि ड्यूटीज टीचर्स दियां लग चुकियां ने, क्वेश्चन पेपर जिहड़े ने रेडी ने, क्योंकि एग्जाम होने वाले सी ते आंसर शीट्स तुहाडियां रेडी ने। बस जिद्दां ही उधरों खबर आती है डेटशीट हुण जिहड़ी है जून के हिसाब नाल रेडी की गई है रफली, जिवें ही सेंटर की न्यूज़ आ जाती है कि कंडक्ट करवाने ने एग्जाम, उसनू देखणगे, उस तो बाद स्टेट आप फैसला लेगी कि पेपर कराने ने या नहीं, ठीक है। तो उस दे बाद ही 1 जून जिहड़ी है उनू डेटशीट जिहड़ी तुहाडी है वो लॉन्च कर दी जाएगी। इत्थे फॉर्मूला ए दा मतलब की है, जिवें कि मैं तुहानू पहलां दस्सिया CBSE ने एक कहा सी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लै लो, अद्धे समय का ले लो, मतलब 3 घंटे का, 1.5 घंटे का लै लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूजा सी कि नॉर्मल पेपर लै लो, कम सब्जेक्ट्स का लै लो। तो इत्थे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जिहड़ा है वो ए फॉर्मूला अपनाएगा, ए फॉर्मूला सी कि घट सब्जेक्ट का पेपर लो पर नॉर्मल जिहड़े 3 घंटिया के पेपर होंदे सी वह पेपर लै लो। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ए फॉर्मूले दे नाल जा रहा, बी जिहड़ा सी ऑब्जेक्टिव टाइप का सी उहदे उपर नहीं जा रहा, ठीक है। सो तुहाडी डेटशीट जिहड़ी है वो 1 तरीक नूं आएगी, अकॉर्डिंग टू योगराज सिंह जिहड़े चेयरमैन ने, योगराज शर्मा जिन्हां नूं आपां कह सकदे हां चेयरमैन ने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दे, उहनां ने ए ट्रिब्यून जिहड़ा है उहनूं या हिंदुस्तान टाइम्स नूं अपना जिहड़ा है वो इंटरव्यू दित्ता सी। उस तो बाद अजीत जिहड़ा है अखबार उहदे विच एक न्यूज़ पेपर की कटिंग मैं तुहानूं दिखा रही हाँ, उस लिखा है सिक्ख्या बोर्ड 12वीं श्रेणी की सालाना प्रीख्या कराने लई तैयार, चेयरमैन, चेयरमैन उही योगराज सिंह शर्मा जिहड़े ने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने कह चुके हैं कि प्रीख्या संबंधी प्रश्न पत्र उत्तर पत्रियां पहला ही वक् वक् खेत्रों में पहुँच चुकिया ने, ठीक है, जिते जिते प्लस टू के स्कूल ने उत्थे उत्थे पहुँच चुके ने, बट हुण की है कि सेंटर जिहड़े वो अलग अलग बनेंगे तो उत्थों ही जिहड़े है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन पेपर रेडी है, आंसर शीट्स रेडी ने, टीचर्स दी ड्यूटीज़ एट ए टाइम ही लगदियां ने, वो स्कूल आपके अकॉर्डिंग भी ला सकते हैं। तो 1 जून नू तुहाडी डेटशीट जिहड़ी है वो जिहड़ी लॉन्च कर दी जाएगी। बाकी 1 जून नू CBSE का फैसला भी आएगा, तो सेंटर जिहड़ा सी उन्होंने कहा कि तुसी CBSE का फैसला भी मान सकते हो जिहड़ा 1 जून नू आएगा। बाकी सारे राज सारिया स्टेट आपका फैसला आपे भी लै सकदियां ने, मतलब पेपर कदों कराने हैं किस तरह के कराने वो आपका फैसला आपे कर सकदियां ने, जिवें अपने सिक्ख्या मंत्री ने विजेंद्र सिंगला वो आपे फैसला लै सकते हैं कि पेपर किदां करवाने ने, ठीक है। बाकी सेंटर के फैसले नूं जिवें CBSE का फैसला आएगा उन्होंने भी मान सकते हैं कि इदा CBSE जिवें करेगा उदा ही पंजाब बोर्ड करेगा, तो उन्होंने भी मान सकते हैं, आपका आपे भी फैसला लेके पेपर जिहड़े आ करवा सकते हैं। उस तों बाद जेकर तुसीं ये जिहड़े एवरेज नंबर लगणगे उन्हां तों खुश नहीं हुंदे हो, दोबारा पेपर देना चाहते हो, चाहे तुसी 10वीं दे हो चाहे 8वीं दे हो, पंजवीं दे हो, कोई भी मतलब क्लास दे विच हो, तुसी सैटिस्फाइड नहीं हो रिजल्ट दे नाल,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ DMC ਆਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੋਰ primarymiddle.pscb.punjabgovernment.in। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਪਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਈਮੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਗੇਨ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ।